नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। राज कुंद्रा के अलावा मॉडल सरलिन चोपड़ा, पूनम पांडे और उमेश कामत को भी इस मामले में राहत मिली है। इन सभी पर एडल्ट फिल्में बनाने और उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। कोर्ट का कहना है कि उन्होंने भले ही आरोपियों को बेल दे दी हो, लेकिन उन्हें जांच में हमेशा सहयोग करना है, साथ ही जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल भी होना चाहिए। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने बेंच ने कहा है कि सभी आरोपियों को जांच में सहयोग करने का ऑर्डर दिया गया है। बेंच ने कहा, तमाम दलीलों को सुनने के बाद हमारा विचार है कि जितने भी पिटिशनर हैं उन्हें जमानत दी जा सकती है। सीनियर लॉयर R बसंत का कहना है कि आरोपी इस केस के इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने पिछले महीने 450 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इससे बनाना प्राइम OTT के सुवाजीत चौधरी और कुंद्रा के एक स्टाफ उमेश कामत पर वेब सीरीज प्रेम पगलानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का आरोप लगा था। महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक नई चार्जशीट में दावा किया था कि कुंद्रा ने मुंबई से लगे 2 फाइव स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग की थी। कुंद्रा ने इन फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर बेचकर मोटी भी कमाई की थी। वहीं पूनम पांडे पर आरोप था कि उन्होंने अपना खुद का मोबाइल ऐप द पूनम पांडे डेवलप किया और कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइस से बिजनेस एग्रीमेंट कर वीडियो शूट किए। इन वीडियोस को सर्कुलेट करने में भी इस कंपनी की मदद ली। इसके अलावा कैमरामैन राजू दुबे पर एक्ट्रेस सरलिन चोपड़ा के वीडियो शूट करने का आरोप लगा था। प्रोड्यूसर नीता झुंझुनवाला इन लोगों को मदद करने पर उकसाने का आरोप था। राज कुंद्रा को पिछले साल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पोर्न फिल्में बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। इस केस में राज का नाम तब सामने आया था जब मॉडल और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि उसने जबरन पोर्न फिल्मों में काम कराया गया है। पुलिस ने राज के ठिकानों पर छापा मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में उन्हें 2 महीने की जेल हुई थी। कोर्ट की कार्यवाही लंबी होने के कारण राज को सितंबर 2021 में मुंबई सेशन कोर्ट से बेल मिल गई थी।